हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, एक नए डिजाइन का डोरमेट बनाई हूँ, तो इसी में मैं आप लोग को बना के बताऊँगी कि कैसे बनेंगे। तो देखिए, मैंने इसमें 1 2 3 4 5 कली बना ली हूँ, छठा में आपको बना के बताऊँगी कि कैसे बनेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 4 कलर इसमें डाल के बनाई है। आप चाहें तो 2 कलर से भी बना सकती हैं और 4 कलर से भी बना सकती हैं। आप अपने हिसाब से कलर इसमें लगा सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि ये फंदे डालने के बाद मैं आपको बता रही हूँ, जिस तरह से यहाँ फंदे डले हुए हैं उसी हिसाब से यहाँ से मान लीजिए कि ये पहला फंदे है, ये पहली सिलाई है। तो यहाँ से हमें कलर चेंज करनी है, तो इसको हम सीधे कर लेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 फंदे हम ये येलो कलर से बना लेंगे, सिर्फ 2 फंदे। 2 फंदे बनाने के बाद अब यहाँ से हम ग्रीन वाले कलर लगा लेंगे और ग्रीन वाले कलर से हम सारे फंदे को बुन के कंप्लीट करेंगे लास्ट तक। ये मैं शुरुआत से ही आपको बता रही हूँ। देखिए इस तरह से, जैसे मैंने वाइट वाले से फंदे डाले थे, तो 2 फंदे मैंने ये नीले कलर से डाले थे, तो उसी तरह से हम 2 फंदे येलो कलर से बनाए हैं और बाकी हम ग्रीन से। तो इसी तरह से घूमते हुए लास्ट तक जाएंगे। तो देखिए, ये लास्ट तक मैंने इसको भून लिया, तो कलर चेंज हो गया है। यहाँ से नीला था तो ये ग्रीन हो गया। अभी एक सिलाई हम इस साइड से भी हम निकाल लेंगे, भूनते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। इसी तरह से भूनना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें उल्टा उल्टा भूनना है। अब यहाँ देखिए, इसको हम पीछे कर लेंगे। 2 फंदे हैं येलो वाले, इसे हम भून लेंगे। तो ये सिलाई कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हमें ये 2 फंदे, पहला फंदा हम उतार लेंगे और ये एक फंदा हम बुन लेंगे। इसके बाद देखिए, 3 फंदे हम ग्रीन से बुनेंगे, 2 ये 3, और सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। अब देखिए, उतार लेंगे, एक फंदा हम बुन लेंगे और इसे हम छोड़ के फिर सिलाई को पलट लेंगे। तो 3, एक फंदे छोड़ दिए थे, एक फंदे बुन लिए, दूसरा भी बुन ली। अब फिर से हम 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3, तो 6 फंदे हो गए। अब सिलाई को हम यहाँ से पलट लेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे और ये 6 फंदे हम बुन लेंगे। इसको पीछे करेंगे और ये 2 फंदे हम से बुन लेंगे। तो हो गए। अब यहाँ से देखिए, अब हमें 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बुन लिए, 6 फंदे ग्रीन वाले और 2 फंदे येलो वाले, तो 8 फंदे हो गए। अब यहाँ हम 2 फंदे ये ग्रीन वाले बुन लेंगे और सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। अब सीधे साइड से जो जैसा कलर है उसी से हमें बुन लेना है। देखिए, ये 8 फंदे थे, तो अब हम 6 फंदे बुनेंगे, 2 3 4 5 6। अब 2 फंदे हम ये ग्रीन से बुन लेंगे और
और दो फंदे ये वाले बुन लेंगे जो बुने थे, तो चार हो गए। और दो फंदे हम नीचे से ले लेंगे, तो ये छह फंदे हो गए। सिलाई को यहीं से हम पलट लेंगे। अब सीधी साइड से जो जैसा कलर है उसी से हमें बुन लेना है। अब देखिए, अब ये येलो वाले हम एक फंदा उतार लिए, दो तीन चार, तो अब हम चार फंदे बुनेंगे और दो फंदे हम ग्रीन से बुन लेंगे येलो वाले। और ये देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे ये इधर के थे और दो फंदे इसमें से ले लिए, तो ये दो दो चार छः आठ फंदे हो गए। दो फंदे हम नीचे से ले लेंगे, तो ये दस फंदे हो गए। सिलाई को यहीं से पलट लेना है। हमें इस तरह से बनाना है कि दोनों तरफ से ये कली बने, इस तरफ से भी बन रही है और इस साइड से भी बन रही है। तो ये दो 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 फंदे करके हम कम कर रहे हैं। और तो ये कंप्लीट हो गई। अब देखिए, अब हम ये येलो वाले दो ही फंदे बुनेंगे। और ये दो फंदे हम ग्रीन से बुन लेंगे। और ये ग्रीन वाले जो हैं दस फंदे, इसे हम बुन लेंगे। तो देखिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, सॉरी दस फंदे हो गए। दो दो चार छः आठ दस बारह, ये दस फंदे थे ये बुन लिए, दो फंदे हम इसमें से ले लिए थे तो ये बारह हो गए। दो फंदे हम नीचे से ले लेंगे, तो ये टोटल चौदह फंदे हो गए। सिलाई को यहीं से पलट लेना है। अब सीधी साइड से जो जैसा कलर है उसी से बुन के कंप्लीट कर लें। तो देखिए, ये एक कली बन गई है, जिस तरह से यहाँ बना है ये, तो ये कली बन गई है। और टोटल देखिए मेरे पास कितने फंदे हैं, दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह फंदे हैं। तो अब हम ये सोलह फंदे को ग्रीन से ही बुनेंगे। देखिए, देखिए मैंने ग्रीन से बोली थी, सॉरी, ये येलो कलर से ही हम अट्ठारह फंदे बुनेंगे। दो हो गए, तीन चार पाँच छः सात आठ, इसको हम साथ में लेके चलेंगे, नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, सोलह फंदे हो गए। दो दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह, सोलह फंदे हो गए। अब दो फंदे हम इसे बुनेंगे ग्रीन से, तो अट्ठारह फंदे हो गए। सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। जब हम ये डिजाइन बनाएंगे तो दो फंदे हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, जो भी कलर यहाँ का होगा उससे हम बुन लेंगे ये फंदे। उसके बाद हम दो फंदे नीचे से ले लेंगे, तो ये टोटल मेरे पास सोलह फंदे हैं। तो ये येलो कलर से बुन लिए, दो फंदे हम ग्रीन से ले लिए नीचे से। अब सिलाई को यहीं से पलट के और जो जैसा कलर है उसी से हमें ये कंप्लीट कर लेना है, इसी तरह से उल्टा उल्टा बुनते हुए। तो देखिए, ये सिलाई कंप्लीट हो गई है, ये कली बन गई है यहाँ। तो अब ये दूसरी वाली बनेगी, ये तो ये कैसे बनाना है देखिए, बस एक बार समझ लेंगे तो ये आ जाएगा। जिस तरह से मैंने ये दो दो फंदे
वापस बुनते हुए यहाँ तक आई हूँ, इसी तरह से ये भी बुनते हुए वापस आना है। देखिए ग्रीन से तो येलो से बुनते हुए जाएंगे, तो इसमें हम 14 फंदे बुनेंगे। 16 फंदे हैं तो ये 14 फंदे ही बुनेंगे। तो देखिए 2, 4, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हो गए, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो 14 फंदे बुन लिए। अब हम 2 फंदे ग्रीन से बुनेंगे और 2 फंदे ये ग्रीन वाले पहले का है इसे बुन लेंगे, और 2 फंदे हम नीचे से बुन लेंगे और सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। तो 6 फंदे हो गए ग्रीन के। तो इसी तरह से अब हम ग्रीन वाले फंदे बढ़ते जाएंगे और येलो वाले कम होते जाएंगे। तो इसी तरह से ये डिजाइन बनते जाएगा। अब इस साइड से हम जो जैसा कलर है उसी से बुन के कंप्लीट कर लेंगे। इसको पीछे करेंगे, इसको आगे लाएंगे। तो एक कंप्लीट कर लेती हूँ फिर। तो देखिए ये सिलाई भी कंप्लीट कर ली। अब यहाँ से देखिए 14 फंदे थे तो ये 12 फंदे ही बुनेंगे। एक फंदा उतारा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। अब 2 फंदा फिर से हम ये ग्रीन से बुन लेंगे और नीचे ये 6 फंदे हैं इसे भी बुन लेंगे। तो देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 4, 6, 8 फंदे हो गए, 2 फंदे हम नीचे से ले लेंगे। तो ये 10 फंदे हो गए, सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। अब सीधी साइड से जो जैसा कलर है उसी से हमें बुन लेना है। देखिए अब फिर से हम पहला फंदा उतारेंगे, इसको सीधी कर लेंगे। अब देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 फंदे बुने, 2 फंदे फिर से हम ग्रीन से बुनेंगे। तो 2 फंदे ग्रीन के हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फंदे हो गए, 2 फंदे हम नीचे से ले लेंगे। तो ये 14 फंदे हो गए, सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। अब सीधी साइड से जो जैसा कलर है उसी से हमें बुन के कंप्लीट कर लेना है। इस साइड से हमें कुछ नहीं करना है। देखिए अब येलो कलर से हम नीचे तक बुनते जाएंगे। ग्रीन वाले फंदे भी हम बुन लेंगे 2 फंदे छोड़ के। तो देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो 22 फंदे टोटल मैंने येलो कलर से बुन लिए। देखिए 2 फंदे ये ग्रीन से बुन लेंगे और 2 फंदे हम नीचे से बुन लेंगे और सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। अब ये तीसरा कली बनने जा रही है। जैसे ये बना ली तो 1, 2 बन गई है। अब ये तीसरा वाला बन रहा है ऊपर। अब सीधी साइड से देखिए जो जैसा कलर है उसी से हमें बुन के कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। अब इसको हम पीछे करेंगे, इसको आगे लाके ये सारे फंदे मैं बुन लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब देखिए अब फिर से हम 2 फंदे छोड़ के सारे फंदे बना लेंगे। तो देखिए 2 गए, 3, 4, 5,
छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह दो दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस, बीस फंदे हो गए। तो अब देखिए ये दो फंदे हम ग्रीन से बुन लेंगे। दो फंदे येलो वाले ग्रीन से बुन लिए और दो फंदे ये चार फंदे ये वाली बुन ली, तो छः फंदे हो गए। दो फंदे हम नीचे से बुन लेंगे तो ये आठ फंदे हो गए। और सिलाई को पलट लेंगे। अब सीधी साइड से जो जैसा कलर है उसी से हमें बुन के कंप्लीट कर लेना है। तो फिर से देखिए और फिर से हम दो फंदे छोड़ के बाकी फंदे को बुन लेंगे। दो पाँच हो गए छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह। तो अठारह फंदे बुन लिए। अब ये दो फंदे हम ग्रीन से बुन लेंगे और बाकी हम नीचे से बुनेंगे। तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और दो फंदे हम नीचे से बुन लेंगे। तो ये बारह फंदे हो गए। सिलाई को यहीं से पलट लेना है। अभी साइड से जो जैसा कलर है उसी से बुन के कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए फिर से तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। सोलह फंदे बुने, दो फंदे फिर से हम ग्रीन से बुन लेंगे। अब यहाँ से हम सारे फंदे को ग्रीन से बुन लेंगे। तो देखिए ये 32 फंदे की मैं बना रही हूँ। तो 32 फंदे इसमें मैंने डाले थे। आप ज़्यादा बड़ा बनाएं तो और ज़्यादा फंदे डाल लें। तो देखिए 16 फंदे नीचे की साइड है, 16 फंदे ऊपर की साइड है। अब ये डिजाइन कंप्लीट हो गई। देखिए तो दोनों तरफ से ये डिजाइन बनी है। तो इसी तरह से ये आधे आधे फंदे हो गए हैं। 16 फंदे इस साइड है, 16 फंदे इस साइड है और ये डिजाइन दोनों तरफ से बनी है इसीलिए आधे आधे फंदे हो गए हैं। अब कंप्लीट हो गई ये डिजाइन। अब सीधी साइड से दोनों कलर को बुनते हुए कंप्लीट करेंगे, जो जैसा कलर है उसी से। तो बुन लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया। दोनों तरफ से तीन तीन ये डिजाइन बनी है, एक दो तीन, इस साइड से भी एक दो तीन। तो ये कंप्लीट हो गया ये डिजाइन। अब यहाँ से हम सारे फंदे को ये येलो कलर से ही बुन लेंगे। इसी तरह से उल्टा उल्टा हमें बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है नीचे तक। ये ग्रीन वाले भी है, इसे भी हमें येलो कलर से ही बुन लेना है इस तरह से नीचे तक। तो देखिए ये उल्टे साइड से कंप्लीट हो गई सिलाई। अब सीधी साइड से एक सिलाई बुन लेते हैं फिर दिखाते हैं। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया कली। अब यहाँ से क्या करेंगे, दो फंदे फिर से हम ये ब्लू कलर से बुनेंगे दो फंदे और 30 फंदे हम यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक ये वाइट से बुन लेंगे। यहाँ से देखिए ये दो फंदे हैं यहाँ, तो ये ब्लू से बुनी थी दो फंदे और बाकी फंदे हम 30 फंदे यहाँ तक लास्ट तक वाइट से बुनी थी। तो इसी तरह से ये बनेंगे। तो
तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नहीं समझ में आया वही बताइएगा कमेंट करके, तो मैं आप लोग को फिर दोबारा बना के बताऊँगी कि कैसे बनेंगे। अगर आ गया होगा समय में तो बना सकते हैं।